भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आशा कर्मियों के साथ उनके वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से आशा कर्मियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार ने 2018 में आशा कर्मियों का मानदेय दोगुना करने के मोदी सरकार के फैसले को लागू नहीं किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह भिदौड़ी ने कहा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां के दौरों में केजरीवाल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है लेकिन आशा कर्मियों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी बहने आशा वर्कर बहने, आशा का मतलब होता है भूख, आशा का मतलब होता है विश्वास और आशा का मतलब होता है निश्चय, आशा का मतलब होता है उम्मीद। और जो दिल्ली की जनता की, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के स्वास्थ्य की एक उम्मीद की किरण आशा है, उनको भी यहाँ पर मजबूरी में आंदोलन करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कोई मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के आठ विधायकों को दिल्ली विधानसभा को तब तक चलने नहीं देना है जब तक दिल्ली में हमारी आशा वर्कर्स की जो हमारी 6,500 बहने हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार न्याय नहीं कर देती है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो इनके लिए घोषणा की है उसके मुताबिक इनका एक एक पाई पैसा का भुगतान नहीं कर देती है तो विधानसभा का सत्र चलने नहीं देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में 19,000 रुपया खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।